वाह ये देखो मम्मी मैं भी सीखू ले एक बार बढ़िया बना जा सीख ली मगनी साहब मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। कल है बछवारस। बछवारस के दिन हम बछड़े की पूजा करते हैं, बछड़े की और गाय की दोनों की ही पूजा करते हैं। तो इसलिए मैं लगा रही हूँ मेहंदी हाथों में। वैसे मेरे क्या है हाथों में एलर्जी है, मेरे हाथों में क्या कीप से है ना, मतलब कोई सी भी मेहंदी लगा लूँ मेरी एलर्जी होती है। तो मैं फिर भी सूंड की तो लगानी बनती है। तो मैंने मेहंदी लगा ली है। तो कैसी लग रही मेरी मेहंदी? तो अब रात हो चुकी है और मैं सोने जा रही हूँ इस मेहंदी को धोके। और तो रात को सोने से पहले मैंने ये बिरिये भिजो दिए हैं। इसमें मैंने पांच, मम्मी ने बोला था पांच चीज़ें मतलब डालते हैं। एक तो है मूंग, मोठ, चना, बाजरा और चवड़ा। ये पांच चीज़ें मैंने भिगो दी है और सुबह इसी से ही पूजा होगी बछड़े की, बछड़े की और गाय की दोनों की इसी से पूजा होगी। और इस छोटे से गिलास में जो मैंने बाजरी भिगोई है इससे हम वहाँ पे है ना कहानी सुनेंगे। तो उसमें हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू खमागणी साहब। तो बछवारस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी बछवारस। और मैं तैयार हो चुकी हूँ, मैं पूजने के लिए जा रही हूँ। भाभी साहब मैं तो रेडी हो चुकी हूँ, भाभी साहब रेडी हो रहे हैं, वो भी आ रहे हैं। तब तक मैं दिखाती हूँ कि मैंने तो ये मैंने थाली में सारा सामान रख लिया है। ये बाजरा है जिसे हम कहानी सुनेंगे, ये दही और ये है गोला। तो ये गोला मतलब जिसके बेटा होता है उसी का ही चढ़ाया जाता है, क्योंकि हमारे रुद्र हुआ है तो उसका ये गोला चढ़ाएंगे भाभी सा की तरफ से। और ये जो मैंने भिजोवना रात को भिजोया था वो है ये मोली, ये काजल, ये मेहंदी जो गाय के लगाएंगे। और इसमें मतलब सिंदूर और चावल है। और ये है मतलब गाय को उड़ाने वाली मतलब बेस। और ये है बछड़े के लिए पैंट बुशेट। तो बस हम निकलने वाले हैं और हमारे बच्चे आ गए हैं। हेलो गुड मॉर्निंग, जय सियाराम। हेलो रित्सा। हाँ रुदु क्या हुआ बेटा? हेलो मम्मी। हेलो मम्मी, जय सियाराम। और आज बछवारस है। आज बछवारस है, तो काय मैं क्या की ला रही थी मम्मी। अरे वाह वाह वाह। अब मैं घर आ चुकी हूँ और हमारे ससुराल में यहाँ मतलब कोई भी फेस्टिवल हो या फिर पूजा करते हैं उसके बाद में चारों कूटों में से देवी देवताओं के पैर लगते हैं। ठीक है मम्मी, धो आशीर्वाद दो यार को ढंको। आज हमारे जिद्दू की तबीयत खराब हो गई, उन्ती उन्ती हो गई है ना रिद्दू? रित्सा रित्सा
ये बहुत बदमाश बच्ची है ये। क्या करना चाह रहा है ये, क्या करना चाह रहा है रुदु? अले गंदा 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 बाबू, गंदा बाबू, गंदा। तो शाम हो चुकी है और मैं बना रही हूँ सबके लिए चाय। मेरे सर से दिख रहा होगा मैंने आज क्या मेहंदी लगाई है मेरे बाल के। मैं अभी आज मैंने ऐसे बैठी थी फ्री, ऐसे तो मैं फ्री बैठती नहीं हूँ, कुछ ना कुछ फ़ोन में लगी रहती हूँ। आज मैं ऐसे ही फ्री बैठी थी तो मैंने अपने बाल देखे यार, कितने सफ़ेद हो गए अंदर से। मोस्टली मेरे बाहर से तो सफ़ेद नहीं है, अंदर से जब मैंने एकदम से देख रही थी सफ़ेद हो गए। डालने से पहले मैंने जो बिरी है ना इनको हल्का सा बॉयल कर लिया है। तो मैं हेड वॉश कर चुकी हूँ और अब मैं करूँगी शाम के खाने की तैयारी। मम्मी बनाएंगे मक्के की रोटी और मैं बना रही हूँ बिरिये की खड़ी। बिरिये की खड़ी में मतलब मैंने बिरिये उबाल लिए थे। तो शुरू करते हैं कड़ी बनाना। कड़ी बनाने से पहले मैंने जग में छाट डाल ली है, इसके अंदर मिर्च नमक और हल्दी डाल लिया है और फिर अच्छे से इसको घोटनी से ऐसे रई से हिला लेंगे जिससे अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से रई से घोट लिया है तो ये अच्छे से हो गई है। इसको टेस्ट कर सकते हैं आप कि इसमें मिर्ची कैसी, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं नमक मिर्ची। तो और इतनी छाछ में मैंने ये आधा चमचा बेसन डाल दिया है। बेसन थोड़ा कम ही डालना होता है क्योंकि क्या कढ़ी है, कढ़ी होती है ना एकदम गाढ़ी गाढ़ी हो जाती है, इसलिए अब मैंने बेसन को भी अच्छे से रई से घोट लिया है। कड़ी भगोनी में बना रही हूँ क्योंकि कढ़ाई में क्या है कि मतलब इधर उधर ढूलने का, मैं जब हिलाता है ना तो ढूलने का डर रहता है, इसलिए मैं भगोनी में बना रही हूँ, भगोनी में अच्छी बनती है। तो अब तेल गर्म हो चुका है और मैं इसमें डाल रही हूँ राई और तेज पत्ता और ये थोड़ी सी हींग और इसमें मैंने डाल दिया और ये है दाना मेथी और इसमें डाल छाछ और वो जो मैंने बना के रख रखा था वो मैंने इसमें डाल दी। इसको अच्छे से हिलाती रहूंगी जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता और मैंने गैस का फ्लेम हाई कर दिया जिससे क्या फटाफट बॉईल आ जाएगा, फिर कम कर दूंगी। अब ये बॉईल हो चुकी है, मैंने गैस का फ्लेम कम कर दिया, अब इसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दिया और अब मेरी कढ़ी एकदम रेडी हो चुकी है और मैंने गार्निश के लिए इसमें डाले हैं कसूरी मेथी। मुझे बहुत अच्छी लगती है कसूरी मेथी की जो स्मेल होती है ना, आए हाय बड़ा मज़ा आता है। और कढ़ी के साथ मैं बना रही हूँ अब जीरा राइस। ये घी गरम हो गया है, अब मैं इसमें जीरा डाल दूँगी। मैंने इसमें चावल डाल दिए हैं, जीरा पक गया था, अब इसको मैं अच्छे से थोड़ी देर पकाऊंगी, एक दो मिनट, फिर इसमें अब ऐसे लोच लगा रही है मम्मी जिससे अच्छे से बनेगी। अरे वाह ये देखो मम्मी, मैं भी सीख लिया, अरे एक बार बढ़िया बना चो सीख ली बेटे उन्हें फाड़ जाए थे मारसू तो। अरे वाह देखो टूट रही को ना बिल्कुल भी, यहाँ फटाफट 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 बन रही है। अरे वाह राजस्थानी खाना को तो मजो ही अलग है। और अब मैं लगाऊंगी लड्डू गोपाल के भोग। तो हमारे लड्डू गोपाल के भोग लगा दिया है मैंने। तो आज की वीडियो को यही एंड करते हैं। आई होप आज का मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। और मेरी जो मैंने आज पूजा की और जो भी आपको बताया मेरे इस त्यौहार के बारे में, तो आपको कैसा लगा ये कमेंट करना ना भूले। तो बाय बाय, जय सियाराम, गुड नाइट, टेक केयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।